गरबा माता की आराधना का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियाँ करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएँ आती हैं कि कुछ लोग इसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएँ होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता हमारी जो माता है गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप सभी को देना चाहिए, तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए तो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। ठीक है, नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। आधार कार्ड को भी लेकर आपकी, देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी धर्म संस्कृति है उसका पालन हो, गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं दिया वाले जिसने दिया भाई हिंदू तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का प्रश्न ही नहीं उठता।